नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में खेत में धान काटने के विवाद में दबंगों ने एक महिला की जमकर पिटाई कर दी। वही घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत से नाराज लोगों ने शव के साथ बखरी अलौली सड़क को जाम कर जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि घटना के दिन मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया, लेकिन उसे थाने से ही छोड़ दिया गया। धान काटल खेत गेलै में पाँच गो छह गो मिल के सब कल के धान काटे नहीं देबो काटे ले कल के हमें धान रोपने छे काट बे कल के नहीं देबो काटे ले कल के हमें रोपे छे काट बे कर देब धान काट लेबे तो खेत जोत लीजिए। एकर बाद ओकरा बात बासी नहीं मानले धान काटो लागले। ई चारू मिल के ओकरा उठा के बजार के हसुआ गर्दन पर चढ़ल के जब हसुआ छिटलक ओकरा जगह चिड़िया गेल। एकर बाद हम चारू मिल के ओकरा उठा के बजार के सब मिल के खाली लैते मुँह के आई मारलक आई मुँह। जब हमरा फोन गेले हम दौड़ल गेलिए तो खेत पर बेहोश रहे। वहाँ से गेलिए जब ओकरा हम उठेलिए तो कहलकै एकरो मार एकरा कथी छोड़ दी। हम ओकरा छोड़ के जान जी लैके भाग ली। भागते भागते थाना गेलिए। थाना गेलिए थाना में केस करिए लाश के लैके। तुरंते बड़ा बाबू गेले घर पर नागो यादव को पकड़ लड़के। बाढ़ रेलवे स्टेशन के मेन गेट के पास फुट ओवर ब्रिज होने के बावजूद प्रतिदिन हजारों यात्री रेलवे सुरक्षा के नियमों को धत्ता बताते हुए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आराम से आना जाना करते हैं। इन्हें न तो प्रशासन से पकड़े जाने का डर है और न ही घर वालों की चिंता। बस इन्हें चिंता है तो जल्दी में अपने गंतव्य तक पहुँचने की। लेकिन ट्रैक पार कर रहे शायद इन यात्रियों को ये नहीं पता कि थोड़ी सी जल्दीबाजी और आराम घर परिवार से दूर कर मौत का कारण भी बन सकता है। इसी जल्दीबाजी में अब तक कई लोग ट्रेन की चपेट में आकर विकलांग भी हो चुके हैं तो कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। प्रखंड के मनरेगा भवन में नेहरू युवा केंद्र के तहत पड़ोसी युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं जिला पार्षद आनंद चंद्रवंशी ने अपने संबोधन में कहा कि यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र के तहत युवाओं को जागृत करने के उद्देश्य से किया गया है। योजना नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंचने का कारण है इसमें हमारा कोई एजेंट नहीं है, इसमें किसी एजेंट का। जब से हम प्रमुख बना इस नेहरू युवा केंद्र के माध्यम में बैनर तले हमको जब बुलाया गया इस कार्यक्रम में प्रत्येक मीटिंग में करीब करीब उपस्थित हुआ। और जो इस भारत सरकार से रिलेटेड है, जो आप सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, भारत सरकार के खेल मंत्रालय से रिलेटेड चीज़ें हैं और जो हमारे जिला में आकर और जिला से प्रखंड मुख्यालय में आकर प्रखंड मुख्यालय से पंचायत में क्लब तक पहुँचता है, जो समान खेल कूद का हो और चीजें उसमें हम लोग सहयोग करते हैं। बेगूसराय में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने महाराष्ट्र प्रकरण को लेकर कहा है कि अवसरवाद के जंजाल में फंसे लोगों ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कोशिश की थी लेकिन वह विफल रहे। भाजपा ने महाराष्ट्र में सभी दलों को सरकार बनाने का पूर्ण मौका दिया लेकिन जब कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकी तब भाजपा ने महाराष्ट्र में सरकार बनाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक नैतिक और संवैधानिक दायित्व था कि उसे महाराष्ट्र में अराजक स्थिति नहीं लाने देना। एक नैतिक और संवैधानिक दायित्व था कि राज्य को अस्थिरता से और अराजकता से बचाए। महाराष्ट्र एक सामान्य राज्य नहीं है, वह देश की व्यावसायिक राजधानी भी है। उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने सभी दलों को अवसर दिया, धैर्य के साथ अवसर दिया कि वे चाहें तो स्थिर सरकार का गठन कर लें। ये ऐसा नहीं हो रहा था, स्वाभाविक तौर से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला और पार्टी ने अपने उस संवैधानिक और नैतिक दायित्व का निर्वाह किया और अवसरवाद के जंजाल में फंसे लोगों ने जो सरकार बनाने की कोशिश की वो विफल हुआ। सर, NRC पर जदयू का विरोध रहा है किसी न किसी रूप में, तो इस पर क्या कहें? हम भारत माँ के लिए और भारत वर्ष के लिए
इस देश को धर्मशाला बनाना नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी और उसकी विचारधारा से मिलते जुलते लोगों ने इस देश को धर्मशाला समझा था। इस देश में जो भी व्यक्ति अवैध तरीके से इस देश को भोग भूमि बनाने के लिए आया है, उसे हम देश में चिन्हित करेंगे। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के चांदपुरा मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो का चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जानकारी के मुताबिक बालू से लदा ट्रक बसेट से त्रिमुहान की ओर जा रहा था और स्कॉर्पियो उसी दिशा से बसेट की ओर आ रही थी, जहां कृषि विज्ञान केंद्र के पास दोनों वाहनों में टक्कर हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो का चालक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए दरभंगा भेज दिया गया। वही घटना की सूचना थाना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। नालंदा में फैसला सुनाने वाले सरपंच और सुरक्षा करने वाले जवान दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह मामला है बेन थाना इलाके का। मैजरा पंचायत के सरपंच वाल्मीकि पंडित को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि इन्होंने नाली गली के विवाद का फैसला सुनाया था। फैसला सुनाने के बाद एक पक्ष को यह फैसला नामंजूर हुआ और उसने इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसकी इन्हें जानकारी तक नहीं थी। वही होमगार्ड के जवान विजेंद्र यादव एक मारपीट के मामले में फरार चल रहे थे। वर्तमान में इनकी ड्यूटी सोनपुर मेले में लगाई गई थी। जब ये अपने गांव आए तो इन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को पुलिस व्यवहार न्यायालय लाई, जहां से दोनों को न्याय के हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आपके साथ हमारा भाई से उसे गोतिया से झाड़ा उनको हुआ था, हमारा से तो कुछ उनको झाड़ा था, मेरा नाम पार गया था हमारे उसमें। कहां थे आप ड्यूटी में अभी? अभी तो ड्यूटी में जो है झगड़ा हुआ था, उस समय ड्यूटी में हम थे टेलीफोन ऑफिस में यहाँ पर बिहार से भैंसासुर में। नहीं, अभी कहाँ थे आप? अभी तो हाजीपुर में, सोनपुर मेला में। जी हाँ, वहाँ से आए तो क्या हुआ अब आपके साथ? मैंने नाली गली का झगड़ा था सर, हमने न्याय सुनाए, एक पक्ष है जो जा करके कोर्ट में मानहानि केस कर दिया, एक पक्ष मंजूर कर लिया। तो आपको नहीं थी जानकारी? जी नहीं थी जानकारी, न कभी नोटिस गया मेरे को, इसमें गिरफ्तारी हुई आप से। पूर्वी चंपारण के भारत नेपाल सीमा के रक्सौल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अंतर्गत डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा प्याज के नेपाल निर्यात पर प्रतिबंध के बाद इंडो नेपाल बॉर्डर के रास्ते बड़े पैमाने पर तस्करी शुरू हो गई है। रक्सौल कस्टम ने कार्रवाई करते हुए सर्वप्रथम एक ट्रक प्याज जब्त किया। वहीं इसके बाद लगातार जारी रहे अभियान में अभी तक कुल 15 ट्रक प्याज बरामद हो चुके हैं। उधर मोतिहारी के कल्याणपुर पुलिस ने 395 कार्टून शराब सहित कंटेनर गाड़ी को जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत लगभग 40 लाख रुपए आकी गई है। इस मामले में प्रभारी थाना अध्यक्ष हृदय नारायण सिंह ने बताया कि गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस ने कंटेनर गाड़ी सहित दो लोगों को भी मौके से गिरफ्तार किया है। बेगूसराय के आईटीआई मैदान में श्रम नियोजन विभाग द्वारा दो दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में 20 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जो बेरोजगार युवक और युवतियों को उनकी अहर्ता और हुनर के मुताबिक रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। वहीं रोजगार मेला का उद्घाटन करने के बाद रोजगार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें भारत के हर नौजवानों के कौशल को निखारने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उनकी कंपनियों में काम करने जाएंगे, ये शहर के शामिल होंगे, मेहनती प्रतिभावान व्यक्ति उन्हें मिलेगा। आज हम सबको क्या सोचना है? अब तक हम बार बार सोचते हैं कि किसी को हम रोजगार दे रहे हैं, कोई रोजगार ले रहा है, ऐसी बात नहीं है। आज हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को यह मानकर चलना पड़ेगा, यदि हमें अपने अस्तित्व को बचाना है तो अपने नौजवानों को
सड़कों पे खड़ा नहीं रखना है, उन्हें रोजगार हाथ में। मोतिहारी के रामगढ़वा थाना के समीप ट्रक और बाइक की टक्कर में एक 20 वर्षीय युवक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। मृत युवक की पहचान रामगढ़वा बाजार स्थित कुम्हार पट्टी राजीव कुमार के रूप में की गई है। वही मामले की पुष्टि करते हुए थाना अध्यक्ष संजय कुमार पाठक ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।